like a Hellcat. हेलो दोस्तों, मैं हूं तुषार चाहूँ एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, हमारे पास में महिंद्रा XUV 700 गाड़ी है जो कि ब्लू कलर में है और काफ़ी डिसेंट इसका लुक है भाई। तो इस गाड़ी का फुल रिव्यू आपको वीडियो में मिलने वाला है भाई, तो वीडियो को आप आज तक देखिएगा मेरे साथ। दोस्तों, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, हमारे पास में एकदम लेटेस्ट 2021 मॉडल महिंद्रा XUV 700 कार है जो कि ब्लू कलर में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इस गाड़ी का जो वेरिएंट है वो AX7 डीजल वेरिएंट है और इसके ऊपर में टॉप वेरिएंट लग्जरी पैक में आता है। तो अभी हम लोग ये जो AX7 डीजल वेरिएंट है इसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देख पाएंगे बैक साइड में XUV 700 की बैजिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। AX7 यहाँ पर लिखा हुआ है वेरिएंट का नाम। बैक साइड में आप देखेंगे तो जो मेन है अट्रैक्टिव वह इसका पीछे का कैमरा, 360 डिग्री कैमरा इसके अंदर मिलता है, मतलब चार कैमरा का पैक आपको मिलता है इसके अंदर। यहाँ हम देखेंगे जो बैक साइड का इसका टेल लैंप है उसका लुक बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है और रियर साइड से इस गाड़ी का लुक बहुत ही क्लासिक बना देता है। तो दोनों साइड में आप देख सकते हैं इसके जो टेल लैंप हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंपनी ने डिज़ाइन किए हैं। हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको बैक साइड में कंपनी दो सेंसर प्रोवाइड करती हैं। आप लग्जरी पैकेज में जाते हैं तो उसमें ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर इसमें दो सेंसर मिलते हैं। रियर रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा पियानो ब्लैक क्रोम फिनिशिंग के साथ में, लुक वाइज बहुत बेहतरीन लगता है। तो यहाँ पर दोनों साइड आप इसे देख सकते हैं। ऊपर में टॉप जो टेल लैंप है इसका यहाँ पर आप देखने को मिलेगा और ये जो है पियानो ब्लैक कलर में काफ़ी बढ़िया लुक यहाँ पर साइड व्यू आपको बैक साइड में देखने को मिल जाता है। कर्व शेप में आपका ऊपर का टॉप टेल लैंप है। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर शार्क फिन एंटीना आपको मिल जाता है बॉडी कलर में ही। यहाँ आप देख सकते हैं ब्लू कलर का शार्क फिन एंटीना है जो कि बहुत बढ़िया वर्क करता है। साइड प्रोफाइल की हम लोग बात करें तो यहाँ से देखिए गाड़ी जो है एकदम बढ़िया तरीके से है यहाँ पर कंपनी ने डिज़ाइन की है। इसके टायर्स की हम लोग बात करें तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा भाई डायमंड कट अलॉय व्हील्स जो कि ब्लैक एंड सिल्वर कॉम्बिनेशन के है और जो न्यू महिंद्रा का लोगो है वो भी आपको यहाँ पर बीच में देखने को मिलेगा। 5 नट्स इसमें लगे हुए जो कि आप यहाँ दिख पाएंगे, लुक वाइज बढ़िया है। टायर की हम लोग बात करें तो MRF के टायर हैं 235/60 R18, मतलब 18 इंच के टायर से ट्यूबलेस टायर MRF कंपनी के और डायमंड कट अलॉय व्हील्स आपको कंपनी प्रोवाइड करती है AX7 डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर। तो यहाँ आप देख पाएंगे ये जो अलॉय व्हील्स है रनिंग टाइम में बहुत ही अट्रैक्टिव लुक देते हैं। चलिए साइड में हम बात करेंगे तो देखिए ड्यूअल टोन कलर के आपको ORVM इंडिकेटर साइड मिरर्स मिल जाते हैं और यहाँ आप देखिए लोअर गार्निश जो है यहाँ पर देखिए क्रोम फिनिशिंग के साथ में आपको मिलती है जो कि फ्रंट साइड से लेकर बैक साइड तक पूरी गाड़ी को कवर करता है और यहाँ पर एड्रीनॉक्स की बैजिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो साइड प्रोफाइल इस गाड़ी का बहुत ही दमदार है भाई, जो कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। कर्व शेप में बीच वाला पोर्शन है जो कि आपको इस क्रोम के कारण देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए तो ये जो नई चीज़ है भाई वो ये है इस गाड़ी के स्मार्ट डोर हैंडल। आप यदि इसके ऊपर वाला पैकेज लेते हैं लग्जरी पैकेज तो उसमें इलेक्ट्रिकल स्मार्ट डोर हैंडल मिलते हैं, मतलब आपको सिर्फ हाथ को सामने ले आना होता है और वो बाहर आ जाते हैं हैंडल, लेकिन यहाँ पर आपको प्रेस करना रहता है उसके बाद में ये बाहर आते हैं हैंडल। तो ये बढ़िया चीज़ है, ये आपको बढ़िया जो गाड़ियाँ है उसमें देखने को मिलता है। फ्रंट व्यू की बात करें तो इसका जो फ्रंट व्यू है इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। यहाँ आप देखेंगे इसका बड़ा सा सी सेफ का आपको हेडलैम्प मिलेगा जिसमें ड्यूअल आपको DRLs दिए गए हैं भाई, ड्यूअल DRLs इसके अंदर। अभी चालू करके आपको बताऊंगा। यहाँ पर वाइट कलर का DRL तो है ही, साथ में जब भी इंडिकेटर देंगे ना तो येल्लो कलर का जो इंडिकेटर DRL है फ्लोटिंग करता है वो भी आपको मिल जाता है, तो ड्यूअल DRL मिलता है। फ्रंट साइड में हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो XUV जो अभी 700 महिंद्रा का जो न्यू लोगो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तितली के जैसे बनाया है, काफ़ी अट्रैक्टिव है। और ये जो फिनिशिंग आपको देखने को मिलेगी फ्रंट साइड में ग्रिल के ऊपर पियानो ब्लैक कलर में बहुत शाइनी लुक देती है। तो ये
ब्लू कलर की जो गाड़ी है उस पर आप ये लुक देख सकते हैं। नीचे में आपको कंपनी फॉग लैम्प्स देती है और एलईडी हेडलाइट आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। नीचे में जहाँ ग्रिल देखेंगे आप तो ये भी पियानो ब्लैक कलर में है, ब्लैक एंड सिल्वर कॉम्बिनेशन। तो कलर कॉम्बिनेशन कंपनी ने बहुत बढ़िया रखा है फ्रंट साइड से, और जो ग्रिल है, हेडलाइट है, उसकी जो अरेंजमेंट की है वो इस गाड़ी को फ्रंट साइड से और भी बेहतर लुक देती हैं। चलिए हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपको ये वाइपर्स देखने को मिल रहे हैं, आप यदि लग्जरी पैकेज लेते हैं तो इसमें सेंसर डले हुए हैं, जब भी बारिश वगैरह हुए तो ऑटोमेटिक ये जो विंड्स है उसको साफ़ कर देंगे, लेकिन इस पैकेज में नहीं मिलता है। ये जो डीजल पैकेज है हमारा, इसके अंदर नहीं मिलता है। 360 डिग्री कैमरा का सेटअप कंपनी ने लगा के दिया, तो यहाँ आप देखेंगे दोनों साइड मिरर पे ये दो कैमरेज हैं, और बैक साइड का कैमरा मैंने आपको बताया। फ्रंट साइड में यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है। तो वो जो 360 व्यू आपको मिलता है 10.25 इंच का जो ड्यूअल स्क्रीन कंपनी ने प्रोवाइड किया डैशबोर्ड के पास में, तो उस पर आप देख पाएंगे। तो यहाँ आप देखेंगे दोनों साइड मिरर्स पे ये जो कैमरा का सेटअप है वो यहाँ पर डाला गया है, बैक साइड में डाला गया है सेटअप, या बैक साइड का आप देख सकते हैं। तो 360 डिग्री कैमराज का सेटअप आपको, चार कैमरा के सेटअप कंपनी इस AX7 वेरिएंट के अंदर देती है। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में 2000 सीसी का इसका इंजन है, 1999 जो कि सीसी आता है इसमें। इंटीरियर की बात करेंगे तो ड्यूअल टोन इंटीरियर इसमें आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर पियानो ब्लैक कलर का फिनिशिंग देखने को मिलेगा, वुडन फिनिशिंग डोर्स पे मिलती है। डैशबोर्ड आप देखेंगे तो ब्लैक एंड बेज कॉम्बिनेशन की है, और ये जो है लेदर वर्क इस पर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ देखेंगे एट्रीनॉक्स की बैजिंग है, और यहाँ 10.25 का ड्यूअल टच स्क्रीन है, तो काफ़ी खूबसूरत लगता है भाई ये। यहाँ हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको सोनी के स्पीकर्स मिल जाते हैं, काफ़ी बढ़िया। यहाँ पर एसी कंट्रोल्स बटन्स है, सारे के सारे ऑटोमेटिक है, और जो हमारा गियर नॉब है मैनुअल ट्रांसमिशन 6 गियर बॉक्स के साथ में मिलता है, और यहाँ पर सारे के सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। सीटी का सीट जो आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जो सीटें हैं काफ़ी बढ़िया है, लुक वाइज है और कम्फर्टेबल है। गाड़ी का जो इंटीरियर है ब्लैक एंड बेज कॉम्बिनेशन में, बीच वाली सीटें आप देखेंगे तो उसमें भी हैंडरेस्ट का ऑप्शन दिया गया है, और ये सीटें भी भाई इंक्लाइंड और डिक्लाइंड हो जाती हैं बढ़िया। पीछे में देखेंगे तो आपको मिल जाती हैं और दो सीटें, तो टोटल 7 सीटर का ये आपको मिलती है AX7 मॉडल। यहाँ पर हम 360 डिग्री कैमरा का व्यू देखें तो ये देखिए ग्रिड लाइन के साथ में आपको ये व्यू मिलता है, जब भी आपको पार्किंग करना है तो बढ़िया व्यू आपको 10.25 इंच की स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। तो आपने देखा इस तरीके से। ड्राइवर साइड में जाए तो यहाँ पर सारे पावर बटन्स मिल जाती हैं, यहाँ पर जो आपकी सीटें हैं उसको एडजस्ट करने के लिए बटन दी गई है, साथ में आपको मेमोरी भी दी है 1, 2, 3, जिससे आप कभी आपने एडजस्ट किया तो उस मेमोरी को सेट कर सकते हैं, और बटन को दबाने पर वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। डोर खोलने पर ये जो सीटें हैं ऑटोमेटिकली पीछे चली जाती हैं। यहाँ आप देखेंगे तो स्टेयरिंग कंट्रोल बटन्स दिए गए हैं यहाँ पर दोनों साइड में, जिसको आप सेट कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ जो है ओडोमीटर फुल्ली डिजिटल है, और इसको ऑपरेट करने के लिए भी आपको स्टेयरिंग कंट्रोल बटन्स पर ही सारी बटन्स दिए गए हैं। यहाँ पर टच स्क्रीन ये है इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि आप देख पाएंगे, और जो स्टेयरिंग व्हील है वो आपको मिल जाता है। यहाँ नीचे में तीनों के तीनों ABC जो है हमारे ब्रेक एक्सेलेटर और गियर वो आपको मिल जाता है, और रिवर्स गियर डालने के लिए वही है नॉब को ऊपर उठा के आपको फ्रंट में डालना रहता है, और ये रिवर्स पार्किंग कैमरा जो है 360 डिग्री कैमरा का वो आपको व्यू यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिलता है। देखिए अभी हमारा जो राइट डोर है ड्राइवर साइड का वो ओपन है, तो यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है। तो बहुत क्लासिक फीचर है भाई इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पर आपको म्यूज़िक वगैरह जो कुछ भी कंट्रोल करना है तो उसके लिए यहाँ पर मॉड दिया है, हैंड्स फ्री कॉलिंग की फैसिलिटी है बढ़िया, आप अपना मोबाइल फ़ोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आप इसका काम ले सकते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर भाई आपको जो कलर मिलते हैं वो बहुत शानदार कलर में, रिवर्स पार्किंग जो असिस्टेंट है इसका बहुत बढ़िया 360 डिग्री का, स्टार्ट स्टॉप बटन इंजन को चालू करने के लिए वो भी आपको AX7 डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर मिल जाती है। इससे ऊपर वाला हाई एंड जो मिलता है वो आपको लग्जरी पैकेज के अंदर मिल जाता है, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें कंपनी ने ऐड की हैं, लेकिन ये जो हमारा वेरिएंट है ये AX7 डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में मिलता है। चलिए अभी मैं आपको टेल लैम्प की जो बात बता रहा था, ये देखिए जो DRL है काफ़ी बढ़िया है और बहुत अट्रैक्टिव लुक देते हैं भाई फ्रंट साइड से। तो ये डे रनिंग लाइट जिसे हम लोग कहते हैं ये है DRLs, और इसी के नीचे जस्ट नीचे में आपको इंडिकेटर वाले ड्यूअल जो DRL की मैं बात कर रहा था वो आपको मिल जाता है।
फॉग लैम्प इसके अंदर कंपनी ने प्रोवाइड किया है और जो इसका एक्सटीरियर लुक है बहुत ही बढ़िया तरीके से कंपनी ने बना के दिया है। चलिए गाड़ी के हम लोग स्पीकर्स की बात करें तो सोनी के स्पीकर्स आपको मिलते हैं। देखिए यहाँ पर ट्यूटर्स लगे हुए हैं, यहाँ डैशबोर्ड पे लगा हुआ एक स्पीकर इसका और दो स्पीकर ऊपर में आपको देखने को मिलेंगे रूफ़ के पास में। यहाँ आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर दो स्पीकर्स यहाँ पर दिए हुए हैं और जो स्काई रूफ़ है उसको खोलने के लिए बटन यहाँ पर दी गई है और दो स्पीकर यहाँ पर रूफ़ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा फ्रंट डोर्स पे यहाँ पर देखिए फ्रंट डोर के पास में भी यहाँ पर स्पीकर दिया हुआ है। इसके अलावा हम लोग ड्राइवर साइड में देखिए तो यहाँ ट्यूटर स्पीकर सोनी लिखा हुआ है। यहाँ पर नीचे में भी आप देख पाएंगे तो यहाँ पर भी आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं। बैक साइड में चलेंगे मिडिल वाली रो में तो यहाँ पर नीचे आपको स्पीकर्स यहाँ पर भी दिए हुए हैं। तो देखिए जो चारों डोर से उस पर स्पीकर है, फ्रंट रूफ़ पर दोनों स्पीकर्स हैं और वे बैक साइड में भी यहाँ पर स्पीकर्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर भाई कंपोनेंट स्पीकर्स डले हुए हैं, 6 इंच के स्पीकर्स हैं डोर्स के अंदर और रूफ़ पर 4 इंच के स्पीकर्स हैं और सामने में बेस दिया गया है। यहाँ स्काई रूफ़ आप यहाँ पर देख पाएंगे, बहुत ही बढ़िया क्लासिक लुक के साथ में ये स्काई रूफ़ दिया गया है। कंपनी ने इसका नाम स्काई रूफ़ रखा है तो आप जब भी शोरूम में जाएंगे तो आप इससे पूछ सकते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से ये ओपन होता है ये पूरा का पूरा, जो मिडिल सीट में बैठने वाले बंदे हैं उनको तो मज़ा आ जाना है भाई ये स्काई रूफ़ ओपन करने के बाद में। तो ये बढ़िया इजीली वे में ओपन हो जाता है। ऊपर देखिए ब्लैक कलर का है पूरा ग्लास और इसको बंद भी बहुत इजी तरीके से किया जा सकता है जो कि आप देख पाएंगे। तो बढ़िया चीज़ कंपनी ने है भाई XUV700 के अंदर डाल के दी है और बहुत बढ़िया इसका रिस्पांस भी है। तो यहाँ आप देखिए जो रूफ़ है ऑटोमेटिकली पूरा बंद हो जाता है, बेज कलर का ऊपर का रूफ़ है, ऊपर में ग्लास लगा हुआ है। कभी भी आपको लॉन्ग जर्नी करनी है तो बिल्कुल आप ये रूफ़ को ओपन करके इसका मज़ा ले सकते हैं, एटमोसफियर का मज़ा ले सकते हैं। तो भाई ये जो गाड़ी है AX7 डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन, ये आपको 18.5 लाख रुपए का एक्स शोरूम प्राइस मिल जाता है भाई। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ जानकारी आपको इस वीडियो से मिली होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। Like a Hellcat.